खोराबार पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि खोराबार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रामनगर करजहा फोर लेन की तरफ लूट के मुकदमे में वांछित दो अभियुक्त जा रहे हैं, जिससे खोराबार पुलिस फोर लेन पर पहुंची। थोड़ी देर के बाद एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने पर वह लोग गाड़ी मोड़कर भागने लगे। पुलिस द्वारा दौड़ाकर चालक को पकड़ लिया गया। दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। पूछताछ करने पर अभियुक्त की पहचान सचिन पासवान पुत्र प्रहलाद पासवान निवासी मोतीराम अड्डा थाना खोराबार के रूप में हुई है। अभियुक्त ने बताया कि 2 जून को रात्रि में ढोडरा के पास से एक व्यक्ति का बैग छीना था, जिसमें कुछ नहीं मिला, जिसको राप्ती नदी में फेंक दिया, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक खोराबार सुनील कुमार राय, उप निरीक्षक दिनेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल आनंद कुमार मिश्रा, कांस्टेबल तेज सिंह, शशिकांत सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा। चले बताइए, ओके तब शुरू करें। ये फरवरी 2 फरवरी 2020 को एक लूट की घटना घटित हुई थी खोराबार थाना क्षेत्र में। कप्तान साहब द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लूट की पूरी घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार टीम कार्यरत थी, और इसी में अब इन्हें एक सफलता मिली है। ये मुकदमा 29/20, इसमें हाईवे के ऊपर ही एक दंपत्ति से उनका बैग छीनने का प्रयास किया गया था, बैग छीन लिया गया था। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन सभी को पहचान कर लिया गया है, और इसमें जिस बाइक के माध्यम से ये घटना कारित हुई थी वो बाइक तथा इसके साथ इसमें एक इन्वॉल्व व्यक्ति सचिन, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और इनके द्वारा इस पूरे घटना को कबूल किया गया है। और अब आगे जो बचे हुए 2 अभियुक्त हैं, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी करनी है। इनके पूर्व इनके द्वारा इस व्यक्ति के ऊपर एक और इसी प्रकार की मुकदमे लिखे हुए हैं। ये थाना जगह में एक मुकदमा लिखा हुआ है इनके ऊपर, और अन्य 2 लोगों को जैसे ही गिरफ्त में लिया जाएगा उनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा। नहीं, ये गिरोह नहीं है, ये हाईवे पे जा रहे थे एक साथ। इनका बताना था कि वो उन्होंने उस मोमेंट में इसको प्लान किया था, जब अकेले उस दंपत्ति को देखा इन्होंने, तो इसलिए उन्होंने घटना को कारित किया था, और घटना का अनावरण कर लिया गया है। अन्य बचे 2 लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार किया। ये वहाँ पे एक छोटे व्यापारी हैं और अपने एक परिवार वाले के यहाँ से अपने घर की तरफ लौट रहे थे, और रास्ते में दंपत्ति को अकेला पाके इन्होंने उसके ऊपर ही घटना कारित की।